मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहित रीता पड़िया, गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक शुरू किया था और इस शीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ह्रास एवं अन्य प्रावधान। एवं पेशे से जो भी आय कमाई जाती है उसमें से उस आय को कमाने के लिए जो भी संपत्तियां प्रयोग में लाई जाती है उन संपत्तियों में के लिए के संबंध में जो है ह्रास की कटौती व्यापार और पेशे की आय में से दी जाती है। तो व्यापार में कौन कौन सी संपत्ति काम में ली जाती है? व्यापार में दो प्रकार की संपत्ति काम में ली जाती है, एक तो मूर्त संपत्तियां एवं अमूर्त संपत्तियां। मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां, तो हम मूर्त संपत्तियों के संबंध में जो डेप्रिसिएशन की रेट है, ह्रास की दरें हैं, उनकी बात कर रहे थे। और एक बात हमने ये भी की थी कि जो संपत्तियां हैं उन पर सब पर अलग अलग ह्रास की छूट नहीं दी जाती। संपत्तियों का एक जैसी संपत्तियों का एक समूह बना दिया जाता है और फिर उस समूह पर जो है ह्रास की छूट, डेप्रिसिएशन की छूट दी जाती है। पिछली क्लास में हम मूर्त संपत्तियों पर जो ह्रास की दरें हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उनकी बात कर रहे थे। हमने बात की थी मूर्त संपत्तियों में भवन, बिल्डिंग्स के अंदर कौन कौन से समूह बनाए जाते हैं और उन समूहों पर जो है ह्रास की दरें क्या क्या है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। भवन में एक तो कर्मचारियों के निवास के लिए भवन में पहला समूह है कर्मचारियों के निवास के लिए प्रयुक्त भवन, और कर्मचारियों के निवास के लिए जो भवन प्रयुक्त किया जाता है ऐसी बिल्डिंग पर 5% की दर से ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाती है। दूसरा, व्यवसाय के प्रयोग के लिए, अगर किसी भवन का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा है, जैसे कारखाना भवन है, कार्यालय भवन है, गोदाम, दुकान, और इसके अलावा जो होटल और जो बोर्डिंग हाउस है वो भी, उन भवनों का प्रयोग भी व्यवसाय के लिए माना जाता है। तो भवन का प्रयोग अगर व्यवसाय के लिए किया जा रहा है तो ऐसे भवन पर, ऐसी बिल्डिंग पर 10% की दर से ह्रास की कटौती की जाती है। तीसरा, अन्य भवन में कोई अस्थायी ढांचा या अस्थायी निर्माण किया गया हो तो ऐसे भवन पर 40% की दर से कटौती दी जाती है, डेप्रिसिएशन। तो पिछली क्लास में हम मूर्त संपत्तियों के संबंध में बात कर रहे थे और मूर्त संपत्तियों में जो भवन है, भवन में जो ये तीन समूह बनाए गए हैं 5%, 10% और 40% का, इनके संबंध में हम विस्तृत चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। दूसरा, हमने बात की थी फर्नीचर एवं फिटिंग्स। फर्नीचर एवं फिटिंग्स पर जो भी फर्नीचर एवं फिटिंग्स व्यवसाय अथवा पेशे में प्रयोग किया जा रहा है उनके संबंध में जो है व्यवसाय अथवा पेशे की आय में से 10% की दर से कटौती स्वीकृत की जाती है। तो भवन और फर्नीचर एवं फिटिंग्स के संबंध में हम पिछली क्लास में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि इनके संबंध में ह्रास की दर क्या है और जो है ह्रास से संबंधित अन्य प्रावधान क्या है। आज हम बात करेंगे प्लांट एवं मशीन। तो हमने बात की थी कि संपत्तियों, एक जैसी संपत्तियों का एक समूह बना दिया जाता है और फिर उस समूह पर ह्रास कटौती दी जाती है। तो मुख्य रूप से मूर्त संपत्तियों को भवन, फर्नीचर एवं फिटिंग्स और प्लांट एवं मशीन, इन तीन मुख्य समूहों में बांटा गया है। तो आज की क्लास हम बात करेंगे कि प्लांट एवं मशीन के संबंध में ह्रास की दरें क्या है। प्लांट एवं
पशुधन भवन एवं फर्नीचर शामिल है। नहीं, ओके। प्लांट की परिभाषा में पशुधन भवन और फर्नीचर शामिल नहीं होते। इसके अलावा प्लांट में जैसे गाड़ियां हैं, जहाज है, पुस्तकें, कंप्यूटर आदि सभी प्लांट में सम्मिलित होते हैं, लेकिन पशुधन भवन और फर्नीचर प्लांट की परिभाषा में शामिल नहीं होते। तो प्लांट एवं मशीन को भी अलग अलग समूह में बांटा गया है डेप्रिसिएशन पीरियड के अनुसार। तो प्लांट एवं मशीन पर जो ह्रास करे हैं, तो पहले अगर बात की जाए तो सामान्य ह्रास की तरह सामान्य ह्रास प्लांट एवं मशीन पर सामान्य ह्रास की दर है 15%। इसके अलावा का व्यवसाय में प्रयोग, अगर कोई कार व्यवसाय में प्रयोग की जा रही है तो उस पर भी ह्रास की दर 15% है। कार में स्कूटर मोटरसाइकिल यानी कार में कार के साथ साथ दुपहिया वाहन भी शामिल है। तो कार और दुपहिया वाहन जो व्यवसाय में प्रयोग किए जा रहे हैं उन पर ह्रास की दर 15% है। लेकिन ये जो कार है ये केवल व्यवसाय में प्रयुक्त होनी चाहिए, इस कार को किराए की टैक्सी के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये जो कार है या फिर जो दुपहिया वाहन है स्कूटर मोटरसाइकिल, इनका किराए की टैक्सी के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए, इनका केवल व्यवसाय में सामान्य प्रयोग होना चाहिए। अगर कार का प्रयोग व्यवसाय में सामान्य रूप से हो रहा है तो कार पर ह्रास की दर 15% होगी। तीसरा, तेल के कुएं ऑयल वेल्स, जो तेल के कुएं हैं व्यवसाय में प्रयोग किए जा रहे हैं उन पर 15% की दर से जो है ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। तो हमने बात की थी कि जो डेप्रिसिएशन है, जो ह्रास है, उसकी अलग अलग दरें निर्धारित कर जाती है, एक समूह बना दिया जाता है और संपत्तियों पर उस समूह के आधार पर जो है ह्रास की कटौती दी जाती है। तो पहला समूह इसमें 15% का है और 15% में एक तो सामान्य ह्रास दर है यानी प्लांट और मशीनरी पर जो सामान्य ह्रास की दर है वो 15% है। इसके अलावा जो व्यवसाय में प्रयोग होने वाली कारें हैं उन पर 15% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और जो तेल के कुएं हैं ऑयल वेल्स इनपे भी 15% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। इसके अलावा समुद्री जहाज पर 20% की दर से ह्रास की कटौती दी जाती है। समुद्री जहाज का मतलब केवल जहाज से नहीं है, समुद्री जहाज में जो भी पानी में चलने वाले यान हैं वो सारे इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जैसे नाव है, बोट है, कोई स्पीड बोट है, मशीन से चलने वाली हो चाहे हाथ से चलने वाली कोई नाव हो, वो सारे समुद्र जहाज में शामिल कर लिए जाते हैं। तो जो भी यान समुद्र में चलाए जाते हैं, समुद्र में प्रयोग किए जाते हैं, उन सब जहाजों पर, समुद्र जहाजों पर 20% की दर से ह्रास स्वीकृत किया जाता है, ह्रास कटौती दी जाती है। तो ये 20% का ब्लॉक है जिसमें केवल समुद्र जहाज शामिल है, 15% में हम बात कर चुके हैं। आगे मोटर बस, कार, टैक्सी के रूप में प्रयोग किराए की टैक्सी के रूप में प्रयोग
हम यहाँ पर बात कर रहे थे कार जिसका व्यवसाय में उपयोग किया जाता है लेकिन किराए की टैक्सी के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी कारों पर 15% दर से हराज की छूट दी जाती है, और मोटर बस और कार जिसका प्रयोग किराए की टैक्सी के रूप में किया जाता है, ऐसी कार या मोटर बस पर 30% की दर से राज की कटौती की जाती है। जिस कार का या कोई मोटर बस का या मोटर लॉरी है उसका प्रयोग किराए की टैक्सी के रूप में किया जाता है उस पर 30% की दर से राज की छूट दी जाती है। अगर ये मोटर बस और कार 23 अगस्त 2019 को या बाद में लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदी हो तथा 1/4/20 से पहले प्रयोग में ली। अगर मोटर बस और कार जिसका प्रयोग टैक्सी के रूप में किया जा रहा है वो मोटर बस और कार 23 अगस्त 2019 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदी हो तथा उसका प्रयोग व्यवसाय में 1 अप्रैल 2020 से कर लिया गया हो तो ऐसी कार इस प्रकार की कार या मोटर बस पर जो किराए के रूप में चलाई जा रही है और जिसको इस समय सीमा में खरीदा गया है और प्रयोग किया गया है तो उस पर 45% की दर से ह्रास कटौती दी जाएगी। रबड़ एवं प्लास्टिक के सामान में जिन सांचों का प्रयोग मोल्ड्स जिन सांचों का प्रयोग रबड़ एवं प्लास्टिक का सामान बनाने में किया जाता है उन सांचों पर भी राशि कटौती 30% की दर से दी जाती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स के निर्माण में भी मशीन एवं प्लांट आईसी जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के निर्माण में अगर कोई मशीन या प्लांट प्रयोग में लाया जाता है तो इस प्रकार की मशीन और प्लांट पर भी 30% की दर से ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाती है। तो प्लांट एवं मशीन में हमने अभी तक देखा कि एक तो 15% का समूह है, दूसरा 20% का समूह है और तीसरा जो है 30% ह्रास की दर का समूह है। और इसमें 30% में एक जो समय सीमा दी गई है मोटर और कार के संबंध में, उस समय सीमा में अगर ये मोटर या कार जो टैक्सी के रूप में प्रयोग की जाती है खरीदी जाती है तो उस पर जो ह्रास की दर है वो 45%। अब इसके अलावा जो हवाई जहाज एवं हवाई इंजन जीवन रक्षक चिकित्सा संबंधी उपकरण पुस्तकें कंप्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर जिनको पुनस्करण में उपयोग लाया जा सके। गैस सिलेंडर
हवाई जहाज एवं हवाई इंजन इस पर 40% की दर से ह्रास जीवन रक्षा चिकित्सा संबंधी उपकरण जैसे वेंटिलेटर हुआ, कोई हार्ट और लंग से संबंधित कोई जो इक्विपमेंट है या फिर लेप्रोस्कोप है, दूरबीन है, इस प्रकार के कई जीवन रक्षक चिकित्सा संबंधी उपकरण होते हैं, तो इन उपकरणों पर 40% की दर से राष्ट्रपति दी जाती है। पुस्तकें, तो पुस्तकें अगर व्यवसाय में प्रयोग आ रही है या फिर पेशे में प्रयोग आ रही है या फिर जो पुस्तकें हैं वो वार्षिक प्रकाशन की पुस्तकें हैं या फिर पुस्तकें का को किराए पर देने का बिजनेस किया जा रहा है और जो पुस्तकें हैं वो किराए पर दी जाती हैं, तो सभी पुस्तकें, सभी प्रकार की पुस्तकें इन पर 40% की दर से राशि की कटौती दी जाती है। कंप्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर इस पर भी 40% की दर से राशि की कटौती दी जाती है। कांच तथा प्लास्टिक के मर्तबान जिनको पुनर्भरण में प्रयोग लाया जा सके, जो कंटेनर है कांच या प्लास्टिक के जिनमें सामान को बार बार भर के और जो है सामान का विक्रय किया जा सकता है उनमें भरकर, तो ऐसे कंटेनर जो रीयूजेबल है उन पर भी 40% की दर से जो है डेप्रिसिएशन की कटौती की जाती है। गैस सिलेंडर जिसमें बॉल्स और रेगुलेटर शामिल है, तो गैस सिलेंडर पर भी 40% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। वाणिज्यिक वाहन जो भारी मालवाहक वाहन है जैसे ट्रक हुआ, तो वाणिज्यिक वाहन में भारी मालवाहक वाहन या फिर या कोई यात्री वाहन है जो कॉमर्शियल पर्पज से चलाया जा रहा है, जो कॉमर्शियल पर्पज में यूज किया जा रहा है, ऐसे वाणिज्यिक वाहन पर भी 40% की दर से कटौती दी जाती है। और इन वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में कुछ समय सीमाएं हैं और उस समय सीमा में अगर वाणिज्यिक वाहन को प्रयोग किया जाता है, खरीदा जाता है, तब ये जो है डेप्रिसिएशन 40% की दर से दी जाती है। लेकिन बीकॉम लेवल तक एक बार हमको इतना ही समझना है अभी के लिए कि वाणिज्यिक वाहन पर 40% की दर से जो है राष्ट्रपति दी जाती है। तो जो प्लांट एवं मशीनरी है उस पर जो अलग अलग समूह बनाए गए हैं उस पर ह्रास की दर 15% है, 20% है, 30% है और 40% है। तो 40% के समूह में कुछ प्लांट और मशीनरी और सम्मिलित की जाती है, जैसे आटा मिल, चीनी मिल और स्टील उद्योग में प्रयुक्त रोलर, इस पर भी 40% की दर से ह्रास प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा बचत हेतु उपयुक्त प्लांट एवं मशीन, जो एनर्जी सेविंग कोई यंत्र है, प्लांट और मशीन है, उस पर भी 40% की दर से जो है डेप्रिसिएशन की कटौती दी जाती है। पवन चक्की एवं हवा से चलने वाले उपकरण या यंत्र इन पर भी 40% की दर से राशि की कटौती दी जाती है। वायु, जल, ठोस पदार्थों के प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र, जो इक्विपमेंट है, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इनको जो कंट्रोल करते हैं उन पर, ऐसे इक्विपमेंट पर भी 40% की दर से राशि की कटौती दी जाती है। खनन उद्योग में प्रयुक्त होने वाले पाइप, रस्से, सुरक्षा लैंप इन पर 40% की दर से राशि कटौती दी जाती है। माचिस एवं कृत्रिम सिल्क उत्पादन में प्रयुक्त लकड़ी के फ्रेम, इन पर भी जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 40% की है। नमक उद्योग में प्रयुक्त पानी के होज, सिनेमोग्राफिक फिल्म बल्ब, स्टूडियो लाइट्स आदि इन पर भी 40% की दर से जो है राशि कटौती दी जाती है। तो प्लांट एवं मशीनरी में हमने बात करी कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चार तरह की है, एक तो 15% की दर है, दूसरी 20% की है, तीसरी 30% की है और 40% की ह्रास की दर है। तो मुख्यतः आपको यही याद रखना है कि 15% वाली, 20% वाली और 30% वाली आपको याद रखनी है, और इसके अलावा जो भी प्लांट एंड मशीनरी है उन सब पे 40% की दर से ह्रास की कटौती दी जाती है। तो मूर्त संपत्तियों और अमूर्त संपत्तियों की हम बात कर रहे थे, तो मूर्त संपत्तियों में भवन, फर्नीचर एवं फिटिंग्स और प्लांट एवं मशीन। अब हम बात करेंगे अमूर्त संपत्तियों के बारे में। अमूर्त संपत्तियां यानी कि तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरह की जो अमूर्त संपत्तियां हैं, अगर ये अमूर्त संपत्तियां
बाद में क्रय की गई है तो इन पर 25% की दर से राशि की कटौती दी जाती है। तो जो भी अमूर्त संपत्तियां हैं जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद खरीदी गई है उन पर 25% की दर से ह्रास की कटौती दी जाती है। तो आज की क्लास में हमने जो ह्रास की दरें हैं मूर्त संपत्तियों और अमूर्त संपत्तियों के संबंध में जो भी ह्रास की दरें हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी चर्चा कर ली है हमने। अब आगे हम किस प्रकार से जो है संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।